Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat Bioverse. So today we are going to study about another phylum which is Platyhelminthes. कल हमने phylum Ctenophora को complete किया था. आज हम बात करेंगे अपने next phylum की जो कि है phylum Platyhelminthes. अब ये जो name Platyhelminthes है इसका meaning क्या होता है तो हम देखेंगे इसमें भी. अब नेम में यहाँ पे आ रहा है Platyhelminthes, तो यहाँ पे प्लेटी का मीनिंग होता है फ्लैट. ठीक है, फ्लैट एंड हेलमिंथीज. हेलमिंथीज का मीनिंग होता है बॉडी. तो ऐसे एनिमल जिनकी फ्लैट बॉडी होती है उन्हें कहा जाता है Platyhelminthes. मतलब हम इस फाइलम में फ्लैट बॉडी एनिमल के बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स. सबको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, और ये जो नेम Platyhelminthes है वो सबसे पहले गगन बोर ने दिया था. द नेम Platyhelminthes was given by गगन बोर. गगन बोर ने सबसे पहले Platyhelminthes टर्म दिया था. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नाउ अब हम बात करेंगे इसकी हैबिट की. तो इट्स हैबिट इज दैट दे आर एंडोपैरासाइट्स. ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं. अब जबकि ये एंडोपैरासाइट है तो इसलिए ये बॉडी के अंदर रह के ब्लड सकिंग करते हैं. नाउ हैबिटेट, तो हैबिटेट देखें तो मोस्टली ये होस्ट डिपेंडेंट होते हैं. ये होस्ट की बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करते हैं. सो हैबिटेट इज होस्ट बॉडी. नाउ सिमेट्री, देयर सिमेट्री इज bilateral. bilateral मीन अगर इनको हम कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में कट जाते हैं. जैसे ये कोई Platyhelminthes है तो इसको अगर हम बीच से काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम बात करेंगे इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. सो देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल. ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो करते हैं ऑर्गन लेवल. ठीक है, इनमें ऑर्गन लेवल में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है. नाउ जर्म लेयर, अगर हम बात करते हैं इनकी जर्म लेयर की तो इनकी जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. मतलब इनकी बॉडी में आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म
एंड द मिडिल लेयर मीजोडर्म, तीनों ही प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर हम इनकी बॉडी में सिलोम देखते हैं, अगर हम इनको सिलोम के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें तो ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट, इनमें बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ब्रांच्ड, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रांच टाइप होता है और इनकम्प्लीट होता है, एंड इनकम्प्लीट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम स्केलेटन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वांटिंग। इनकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। ये भी पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम की। सो इनकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहाँ मिलता है। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम जो है वो प्लेटी हेलमिंथेसिस में प्रेजेंट होता है। नाउ एक्सक्रेशन, तो इनमें एक्सक्रेशन के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो होती हैं इनमें एक्सक्रेशन में हेल्प करती हैं। नाउ सेक्सेस, अब हम बात करेंगे इनके जेंडर के बारे में। तो इनका जो सेक्स होता है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब इनकी एक ही बॉडी में दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल्स में हमारे आते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है इसे कहा जाता है टैपफॉर्म और पॉर्कवॉर्म। ये दो नेम जो होते हैं वो इसको दिए गए हैं। नाउ सेकंड वन इज फेसिओला हेपेटिका। फेसिओला हेपेटिका जो होता है ये लिवर फ्लूक होता है, ये ह्यूमंस के लिवर में रहता है, लिवर फ्लूक। थर्ड वन इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होती है इसको कहा जाता है ड्यूगेशिया। और इन फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है उनका मेन पॉइंट ये है कि ये जितने भी होते हैं इन सब में रीजनरेशन एंड पैडोजेनेसिस जो है वो कॉमन होती है। इनमें रीजनरेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो हमारा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।